नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी के नेतृत्व में शहर के विभिन्न स्थानों पर पुलिस की भारी टीम द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान खुलेआम शराब पीने वाले लगभग 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हुई इस कार्रवाई से सड़क किनारे खुले में मदिरा का सेवन करने वालों के बीच हड़कंप की स्थिति बनी रही। पकड़े गए सभी शराबियों को कोतवाली ले जाकर सुसंगत धाराओं में चालान की प्रक्रिया की गई। जनपद पुलिस ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर मौजूद रहे गाजीपुर के एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी। आपको बता दें, खुलेआम शराब पीने वालों की गाजीपुर सहित पूर्वांचल में काफी संख्या है। ऐसे में पुलिस द्वारा ये चेकिंग अभियान चलाया गया, जिससे गाजीपुर में हड़कंप की स्थिति बनी रही। आप देख रहे हैं गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पूरे जनपद में प्रत्येक थाने में कई कई स्थानों पर राजपत्रित अधिकारी और एसएचओ के नेतृत्व में टीमें गठित की गई हैं और प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे लोग जो पब्लिक न्यूसेंस फैलाते हैं, लोगों में असुरक्षा की भावना फैलाते हैं, शराब पीकर पब्लिक प्लेस पर हंगामा करते हैं, उनको कड़ा संदेश दिया गया है कि यदि वो पब्लिक प्लेस पर शराब पिएंगे तो पुलिस की निगाह से नहीं बच सकेंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या सर, इस तरह के अभियान जो है वो दोनों त्योहारों को देखते हुए जो सोमवार को होने वाला है, इसको देख के किया जाएगा? एक विशेष बात ये भी है, जिससे आम लोगों में सुरक्षा की भावना आए और शराब पीने वाले जो पब्लिक प्लेस पर शराब पीते हैं उनको भी ये कड़ा संदेश जाए कि पुलिस लगातार उनकी निगरानी कर रही है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। संवारे अपना भविष्य इंदु प्रकाश फार्मेसी के साथ। डी फार्मा और बी फार्मा करके इंदु प्रकाश फार्मेसी एट हल्दरपुर मऊ और साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी से एलोपैथिक में डी फार्मा करें। विजिट साई कॉलेज ऑफ फार्मेसी सिकटिया, रोज गार्डन के सामने मऊ। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।